अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। मेरी दुआओं के साथ अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। सबसे पहले हम पेड़े बना के रखेंगे। पहले पेड़े बना लेते हैं कि पेड़े हमारे पराठा बनाने तक सेट हो जाएंगे। घी लगाएंगे पेड़े के अंदर। रमज़ानुल मुबारक में मैं पराठे जो हैं वो घी से ही बनाती हूँ। ये मैंने वाइट आटा और चक्की वाला फ्रेश आटा मिक्स किया है क्योंकि बच्चों को इसके पराठे पसंद हैं। काउंटर पे हम बेल लेंगे। पराठा हमने बेल लिया, अब हम इस पे लगाएंगे घी 1 चम्मच के बराबर। सारे पराठे के ऊपर अच्छी तरह लगा लेंगे। सूखा आटा सारा थोड़ा थोड़ा छिड़क लेंगे। मेरे बच्चों को ये वाले पराठे बहुत पसंद है। फिर हम ऐसे इनकी कटिंग करते जाएंगे। अब हम इनको रोल करते जाएंगे, एक एक को पकड़ेंगे पट्टी को और ऐसे रोल करते जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये देखिए मैंने सारे ऐसे ही फोल्ड कर लिए। अब मैं इनको एक साइड पे ऐसे ही रखती जाऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छा हमारा पेड़ा की लेयर भी बन गई है। इसी तरह सारे पेड़े तैयार रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दूसरा पराठा सेम वही स्टेप। सबसे छोटा पीस दोनों साइडों वाला, क्योंकि जो छोटा पीस होता है वो लास्ट में आके फिर वो सही से फोल्ड नहीं होता। मैं तो इसी तरह करती हूँ। ये लें लास्ट में ये सबसे बड़े वाला। लास्ट वाला भी पराठा हम पेड़ा रेडी कर लेते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बाहर बादलों की आवाज़ है। अल्लाह करे बारिश हो जाए, गर्मी का जोर टूट जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप सब भी दुआ करें अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए। मेरा शक जो है वो सच हो जाए कि आज बारिश हो जाए। ये लें जी लास्ट वाला पेड़ा जो है वो भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम ऑमलेट की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि बच्चों ने मुझे रात को कहा था कि हम सुबह ऑमलेट खाएंगे। वैसे तो सालन भी है, दही भी है, अचार भी, साथ हम ऑमलेट बना लेते हैं।
ऑमलेट भी मैंने रेडी कर ली है, अब मैं लस्सी बना लूँ फिर हम बनाएंगे पराठे। नमकीन भी बना लेते हैं, जिसे नमकीन पीनी होगी नमकीन पी लेगा। इब्राहिम साढ़े तीन हो गया ना, अलैकुम जी। तो आपने सहरी की मेरी वीडियो देख ली, अब शुरू करते हैं अफ्तारी की। अफ्तारी में मैंने पकोड़े और दही भल्ले वगैरह, शरबत था, कन्नी थी, ऐसी चीज़ें सारी बनी थी। ये कि उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बस एक छोटी सी वीडियो बनी बना के मैंने तो उनकी शेयर कर दी थी, दही भल्लों की रेसिपी और पकौड़ों की रेसिपी। अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मिल जाएगी। बस मुझे एक मैसेज मिला था कि आप सहरी भी होगी आपके पास। सहरी में ये होता है कि पराठे होते हैं, लस्सी वगैरह, तो यही चीज़ें होती है। पराठा तो मस्ट है, डेली पराठा ही बनता है। मेरे बच्चे और कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते, कि बहुत कुछ बनता है सुबह के टाइम भी, लेकिन मेरे घर में ज़्यादा पराठा ही पसंद किया जाता है सहरी में। इसलिए मैंने सोचा कि सहरी की मैंने क्या वीडियो अपलोड करनी, तो मैं अफ्तारी की ही कर रही थी। अफ्तारी की वीडियो मैं इसीलिए नहीं डाल रही थी, अपलोड कर रही थी। तो बस आज फिर मैंने वो सहरी की जो बनी थी, सहरी में बनाए पराठे, वो वीडियो बना ली। तो इसलिए फिर मैंने शाम को जो वीडियो थी वो नहीं बनाई थी, क्योंकि ये दही भल्ले और फ्रूट, दही भल्ले और पकौड़े तो इनकी वीडियो तो पहले ही मौजूद थी, इसलिए मैंने आज वीडियो नहीं बनाई। वैसे ही आपके साथ वो अफ्तारी की थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दी थी मैं। चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।